हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं साइबर क्राइम के बारे में। तो आप इसके बारे में तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है और इससे कैसे बचे? इसके बारे में जानना सभी इंटरनेट यूजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ जो आम आदमी है मतलब उसको भी जानना उतना ही जरूरी है ताकि वो किसी भी प्रकार के साइबर अपराध से बच सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साइबर अपराध क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसकी कंप्लेन कहाँ कैसे करें और कैसे बचा जाए, इसके बारे में मैं आज विस्तार बताने वाला हूं। अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन अपराध हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग करने के लिए किया जाता है। सीधे शब्दों में मैं बात कर लूँ तो किसी के कंप्यूटर से उसकी निजी जानकारी को निकाल लेना या चोरी कर लेना या उसका गलत इस्तेमाल करने को ही साइबर क्राइम कहते हैं। इसमें किसी की निजी जानकारी चुराने के अलावा दस्तावेज या डाटा चोरी, थेफ्ट, धोखाधड़ी, फ्रॉड इत्यादि अपराध आते हैं। किसी भी कंप्यूटर का किसी अपराधी के स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई भी अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है, लेकिन कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। इस साइबर क्राइम को जो लोग अंजाम देते हैं उन्हें साइबर अपराधी या साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ये साइबर क्रिमिनल्स कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के सिस्टम को एक्सेस करके उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल, बिजनेस, ट्रेड की चोरी करते हैं। जो क्रिमिनल्स इन इलीगल एक्टिविटीज़ को करते हैं उन्हें हैकर्स या क्रैकर्स कहा जाता है। क्योंकि हैकर साइबर क्राइम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए इसे कंप्यूटर क्राइम भी कह सकते हैं। कंप्यूटर अपराध के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर अपराध क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी पे फेरबदल करना, ये सब कंप्यूटर अपराध में शामिल होते हैं। थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि ये क्या होता है। जानकारी चोरी करना, ये जानकारी चोरी करना क्या है मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। किसी के भी कंप्यूटर से उसकी निजी जानकारी चुराना, जैसे कि उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड, ये आपका हो गया जानकारी चोरी करना। जानकारी मिटाना, किसी के कंप्यूटर से उसकी ज़रूरी जानकारी को मिटाना, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो और दस्तावेज। फेरबदल करना, किसी के सिस्टम को एक्सेस करना, उसमें से कुछ हटाना या जोड़ना या बदलना, ये फेरबदल में आ जाएगा। बाहरी नुकसान, किसी के कंप्यूटर के भागों को नष्ट करना, उसे तोड़ना या उसके पार्ट्स की चोरी करना, ये आपका बाहरी नुकसान में आ जाएगा। साइबर अपराध भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्पैमिंग, हैकिंग, फिशिंग, वायरस डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन चोरी करना या किसी पर हर वक्त नज़र रखना, ये सभी जो है कि साइबर अपराध में आते हैं। तो चलिए हम साइबर अपराध के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो आजकल जो है साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि क्रिमिनल नए नए तरीकों से क्राइम कर रहे हैं और साइबर क्राइम के बहुत सारे टाइप्स हो गए हैं, जिनमें से मैं आपको साइबर जो क्राइम है उसके जो कॉमन टाइप्स हैं के बारे में बताऊँगा और वो विस्तार में बताऊँगा। तो चलिए पहला शुरू करते हैं स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार के क्राइम जो है कि उपयोगकर्ता को अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं जिसमें ऐसे ईमेल शामिल होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाते हैं। उन ईमेल से कंप्यूटर में खराबी आ जाती है और ऐसा तब होता है जब यूजर मेल को ओपन करके उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करता है और इससे उनके सिस्टम में वायरस या मॉलवेयर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं। फिशिंग जो है उस क्राइम को कहते हैं जिसमें यूज़र को फ्रॉड मेल भेजकर बेवकूफ़ बनाया जाता है और इसकी निजी जानकारी को चुराने की कोशिश की जाती है। इसमें ऑफ़र भी हो सकता है, इनाम देते हैं वो लोग, लॉटरी लगने जैसे मैसेज किए जाते हैं ताकि यूज़र लालच में आकर अपनी बैंक डिटेल्स, एड्रेस, अन्य प्रकार की डिटेल्स सबमिट कर दें। और तीसरा होता है हैकिंग। इस क्राइम में हैकर्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को उनकी अनुमति के बिना एक्सेस करके उनके पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं। कोई अगर आपके कंप्यूटर के पास आकर उसमें से ज़रूरी डाटा ले ले तो उसे साधारण चोरी कहेंगे, लेकिन जब कोई ऑनलाइन आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपका डाटा चुरा ले तो उसे हैकिंग कहते हैं। हैकर्स जो है दूसरों के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरस, स्क्रिप्ट, फिशिंग मेल इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। ये इतना साइलेंटली होता है कि कंप्यूटर ऑनर को इसका पता नहीं चलता है। और इसी से संबंधित है चोरी। इस क्राइम में किसी की जानकारी या सामग्री चोरी करना,
होता है। ये अपराध तब होता है जब कोई पर्सन किसी कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करता है, जैसे कि मैं किसी की म्यूजिक, मूवी, गेम्स और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता हूँ। और ऐसा बहुत सी पायरेसी वेबसाइट है जो ओरिजिनल कंटेंट ऑनर की परमिशन के बिना फ्री मूवी, सॉन्ग्स और गेम्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाती है, यानी कि प्रीमियम चीज़ों की फ्री डाउनलोड करना और कराना भी साइबर क्राइम के तहत आता है। ऐसा करना गैर कानूनी अपराध माना जाता है। मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, वायरस फैलाना, मतलब जब साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाकर उन्हें आपके कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे होते हैं, इनमें वर्म, टारजन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स इत्यादि वायरस शामिल हैं। ये वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे और दूसरे से तीसरे कंप्यूटर में फैलकर तबाही मचाते हैं। कई बार ये अटैक इतना बड़ा हो जाता है कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर इसकी चपेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट जानते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में। किसी के सॉफ्टवेयर की नकल तैयार करके सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि कोई भी प्रोडक्ट हो या उसकी नकली वर्जन, उससे पहले कि मार्केट में आ जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसका फ्री वर्जन या क्रैक वर्जन जरूर मिल जाता है। फर्जी बैंक कॉल या फ्रॉड कॉल जब भी आता है तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। इस क्राइम में बैंक कस्टमर को फेक कॉल करके उनसे उन्हीं बैंक डिटेल पूछी जाती है। इसमें अधिकतर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है ताकि वो कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे चोरी कर सके। कस्टमर्स पर दबाव बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की चेतावनी दी जाती है, जैसे जानकारी न देने पर उनका खाता बंद कर दिया जाएगा या उनके खाते से बैलेंस काट लिया जाएगा। इस तरीके से वो चेतावनी देते हैं कि आप जो है कि अपना बैंक अकाउंट उनको इजीली दे दो। और ये जो है कि गांव के लोग ना अक्सर इनके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, उससे बचाव किस तरीके से करना चाहिए। मैं तो अभी बता रहा हूँ कि आपको साइबर अपराध जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो एक इसी में से है अफवाह फैलाना। बहुत से लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक अफवाह फैलाते रहते हैं। बहुत से यूजर्स उनके इरादे समझ नहीं पाते और जाने अनजाने में ऐसे लिंक्स को शेयर कर देते हैं। आपको बता दें कि यह भी साइबर अपराध और साइबर आतंकवादी की श्रेणी में आता है, भले ही आप खुद ऐसा न कर रहे हो और आपने केवल इस प्रकार के पोस्ट को फेसबुक, ट्विटर पर शेयर किया हो, ये अपराध आपका अफवाह फैलाने में आ जाएगा। साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि वो तंग हो जाए, इंटरनेट पर किसी के दूसरों के सामने शर्मिंदा करना, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। अक्सर बच्चे और नए लोग इसका शिकार होते हैं और वो मानसिक रूप से हर्ट होते हैं, इनकी सेहत पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसा करना भी साइबर अपराध में आता है। कि हम ये जान लेते हैं साइबर क्राइम से बचना कैसे है और इनको अवॉइड कैसे करना है, क्योंकि आप कभी भी इसका शिकार हो सकते हैं और जाने अनजाने में आपसे ये गलती हो सकती है। आपको बता दें कि साइबर अटैक से बचने का सबसे अच्छा उपाय है, आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप साइबर विक्टिम बनने से बच सकते हैं। साइबर क्राइम से प्रिवेंशन यानी बचाव की सही नॉलेज आपको इस फंसने से बचा सकती है। आप जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिएगा, आप इसे बच सकते हैं। स्पैमिंग और फिशिंग मेल क्या है के बारे में अच्छे से जानें और कभी भी अननोन पर्सन के मैसेज या ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। अगर कोई भी पर्सन जो है कि आपके फ़ोन पे कोई भी आपको लिंक भेजता है या मैसेज भेजता है, कहता है कि आप वहाँ पे क्लिक करिए, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन आप कभी किसी के भेजे गए लिंक पे क्लिक मत करिएगा। इंटरनेट पे एग्जिट करने वाले विभिन्न साइबर क्राइम के बारे में खुद को एजुकेट करें, जिससे आप उनके प्रति अवेयर हो सकें। किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर न करें, केवल वेरीफाइड साइट्स पर ही करें। सेफ सर्फिंग करने के अलावा ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी होशियार रहें और केवल पॉपुलर ट्रस्टेड साइट से ही ऑनलाइन शॉपिंग करें। जब भी ऑनलाइन पेमेंट करें तो ब्राउजर में लॉक सिंबल जरूर देखें और चेक करें कि URL भी https/ के साथ ओपन हो रहा है या नहीं। अपने कंप्यूटर में हमेशा एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, ये आपकी वायरस, मैलवेयर इत्यादि से बचाता है। हमेशा अपने इंटरनेट ब्राउजर क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, जो भी यूजर यूज करते हैं आप, उसे अपडेट करके रखें। फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें और हमेशा अपने वाईफाई ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए सिक्योर पासवर्ड का इस्तेमाल करें। जहां तक हो सके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन पब्लिश करने से बचें। किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को डाउनलोड करने से पहले अच्छे से कंफर्म कर लें कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऑनलाइन स्कीम, इसमें पैसे जितने हों, प्राइज मिलने की बात हो, तो उसके लालच में न पड़े और उन पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। इन बातों को ध्यान में रखकर आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो साइबर अपराध की रिपोर्ट कहां और कैसे करें इसके बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों भारत में साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के जो केसेस है प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और नॉलेज न होने के कारण जो लोग इसके शिकार होते हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो साइबर क्राइम विक्टिम्स जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट कंप्लेंट रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम कंप्लेंट करने के लिए आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के लगभग सभी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आप शहर में या नज़दीकी थाने पे वहाँ पे साइबर सेल मौजूद होते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने कंप्लेंट जो है कि दर्ज करा सकते हैं। कोई भी आपको फेक प्रोफाइल बनाकर उसके जरिए एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है तो आप इसकी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये थी साइबर क्राइम की जानकारी। इस वीडियो से हमने जो है कि साइबर क्राइम क्या है, कितने टाइप्स होते हैं और इससे कैसे बचे इसके बारे में मैंने अपने स्तर तक जितना मैं जानता था उतना आपको बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और अब आप साइबर क्राइम के बारे में सब कुछ जान गए होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। इंटरनेट पर कुछ भी सुरक्षित नहीं है, यहां आपको खुद ही अपने आपकी साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, तभी आप ऑनलाइन साइबर अटैक से बच सकते हैं। तो दोस्तों इस जानकारी को अपने घर परिवार और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के समय में सभी लोगों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इससे बचने का उपाय क्या है उनके पास तरीके होने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों में पहुँचाएँ ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके और वो साइबर फ्रॉड से बच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।